रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण एवं ऊपरगामी पुल निर्माण को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बुधवार को इटाली रेलवे क्रॉसिंग के समीप भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएन चौबे ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण में उनका प्रयास जुड़ा हुआ है, जबकि स्थानीय सांसद इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में उन्हें और सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुंडा तिवारी को भी नहीं बुलाया गया। ऐसे में उन्होंने दानापुर रेल मंडल के DRM प्रभात कुमार से बात कर यह कहा है कि कार्यक्रम में उन्हें तथा विधायक को बुलाना अति आवश्यक है। DRM ने भी इस पर पहल करने का आश्वासन उन्हें दिया है। श्री चौबे ने बताया कि 12 अक्टूबर 2012 को उनके नेतृत्व में इटाली रेलवे क्रॉसिंग के समीप रेल चक्का जाम किया गया था, जिसको लेकर उन पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। उस मामले में फिलहाल वह उच्च न्यायालय से जमानत पर है। इसी आंदोलन का परिणाम था कि वर्ष 2013 में कांग्रेस की तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने ROB के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी। ऐसे में आज अगर स्थानीय सांसद इसका श्रेय ले रहे हैं तो यह गलत है। इटाली ROB का शिलान्यास पिछले लोकसभा के चुनाव के दरमियान हमारे सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा किया जा चुका है। अब पता नहीं कितना बार इस शिलान्यास और भूमि पूजन कराएंगे। हमें आश्चर्य व्यक्त हो रहा है कि जब इसका निर्माण की बात उठी थी तो 12/10/12 को इटाली गुमटी पर मैंने धरना दिया था, जिस पर प्राथमिकी मुझ पर दर्ज हुई और आज माननीय उच्च न्यायालय के पर जमानत पर है। और अश्विनी भाई बराबर शिलान्यास और भूमि पूजन करते आ रहे हैं और आज तक इसका निर्माण भी नहीं जारी हुआ, जबकि इसकी स्वीकृति 2013 में मिल गई है कांग्रेस केंद्र में, कांग्रेस के शासनकाल में ही। इतना दिन से संसद रहते हुए इसका निर्माण अभी तक नहीं है, केवल भूमि पूजन और शिलान्यास का तारीख तय हो जाता है। हम इस संदर्भ में आज मंडल रेल प्रबंधक दानापुर प्रभात कुमार से भी दूरभाष पर बात की और उन्होंने कहा कि ये मेरे योगदान को नहीं भुलाया जाए। उन्होंने इस पर पहल करने की बात कही है और उस भूमि पूजन में हमारे सदर विधायक मुन्ना तिवारी और मुझे रहने की पहल उन्होंने की करने की कही बात कही है। आपका परिचय TN चौबे।